हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होगे। तो मैं हूँ प्रेम शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक आप अपनी YouTube चैनल के लिए टेक्स्ट का इंट्रो कैसे बना सकते हो। तो यार, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं उस इंट्रो वाले वीडियो का आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि एडिटिंग करने के बाद वो वीडियो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए, फिर मैं एडिटिंग उसका कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके का इंट्रो बनाने के लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, पहला है काइन मास्टर और दूसरा पिक्सल लैब। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब का यूज़ करना है। आपको पिक्सल लैब ऐप ओपन कर देना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर अभी इसका बैकग्राउंड आप जिस भी कलर में चाहते हो आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे ही कलर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको इसका ब्लैक कलर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये टेक्स्ट आपको एडिट करना है। यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है या जो भी आप लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम, और मैं नीचे भी कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिटिंग। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसका रिलेटिव पोजीशन जो है एकदम बीच में आपको इसको कर देना है, और फिर आपको इधर जाकर अलाइन पर क्लिक करके आपको सब बीच में कर देना है। उसके बाद इस ऐप की स्टाइल पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको बोल्ड कर देना है और थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। फिर आपको फॉन्ट में जाना है, और आप जो भी फॉन्ट चाहते हो आप वो फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो मैं डेज वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। अब आपको इसको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ से सेव एज इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी ये डायमेंशंस डिफ़ॉल्ट पर है, आपको इसको अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर से अब आपको इसका सिर्फ बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है। तो आप जो भी कलर चाहते हो आप बैकग्राउंड का ऐसे ऐसे आपको चार बार कर देना है। तो मैं पिंक कलर चूज़ कर लेता हूँ, और ये टेक्स्ट का जो कलर है इसका कलर मैं अभी पिंक रहने देता हूँ, और ये टेक्स्ट के कलर को भी मैं इसके भी कलर को चेंज कर लेता हूँ। आप भी अपने कलर टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो जिससे कि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ, और ऐसे ऐसे आपको चार बार जिस भी कलर में आप चाहते हो आपको उस कलर में सेव कर लेना है। तो मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चार फ़ोटो एडिट कर ली है। अब आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके 16:9 चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको वो चारों फ़ोटोज़ चूज़ करना है जिन्हें अभी अभी आपने पिक्सल लैब से बनाया हुआ है। पर अब मैं यहाँ पर उन चारों फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ पर प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है जो कि बीच में दिख रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आपको कौन सा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट ऐड करना है मैं बता दूँ। प्रेजेंटेशन का आपको वाइप का ट्रांजिशन ऐड करना है जो कि इस तरह से दिखेगा। ये पहले से ही प्रेजेंटेशन आपके फ़ोन में होगा, ये वाला प्रेजेंटेशन वाला ट्रांजिशन, आपको इसी को वाइप वाला ऐड कर देना है। आपको यही प्रोसेस सभी इमेजेस के बीच में करना है। यहाँ पर भी आपको करना है सेकंड वाले फ़ोटो के पहले भी।
तो यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन चूज़ किया, यहाँ पर वाइब का चूज़ किया, और यहाँ से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो जहाँ पर प्ले हो रही है उसके नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको जो भी स्पीड ठीक लगे आप उसको चूज़ कर सकते हो। फिर थर्ड वाले में भी आपको यही सेम ऑप्शन करना है। करने के बाद अब मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ तो ये कितने अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। अब ये सब हो जाने के बाद अब आपको इसको फिर से मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से ये बन चुका है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ, ऊपर की तरफ जो एक्सपोर्ट वाला आइकन है। ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको टेक्स्ट इंट्रो कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।